नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ गुड़गांवा। आज हम गुड़गांवा के लक्ष्मण विहार में हैं दोस्तों। लक्ष्मण विहार एक रेजिडेंशियल एरिया है गुड़गांवा का, और यहाँ पे जो है धीरे धीरे अब विकास कार्य बढ़ रहा है, रेजिडेंशियल आवास बन रहे हैं, लोग अपने पक्के घर बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से आज मैं आपको बताऊँगा गुड़गांवा की बारे में, गुड़गांवा कैसे डेवलप हुआ और कैसे कैसे विकास की बयार बही। लक्ष्मण विहार जो है जिसकी मैं बता रहा हूँ, ये गुड़गांवा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीपवर्ती इलाका है। यहाँ से अभी मैं आपको गुड़गांवा रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगा, पर पहले हम बात करेंगे गुड़गांवा की, कि गुड़गांवा अस्तित्व में कैसे आया। दोस्तों देखो, जैसे कि माना जाता है गुड़गांवा टोटल जो है 732 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 8.77 लाख आंकी गई है, जबकि भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो ये भौगोलिक रूप से दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ये क्षेत्र है दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है गुड़गांवा। और यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं, ये रोड पूरा आगे तक जा रहा है और यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुआ है। और लगभग ये जो है पूरा जो क्षेत्र है जो है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि गुड़गांवा आज के समय पर जो है 732 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज के समय पर ये गुड़गांवा जो है हरियाणा ही नहीं, दिल्ली और उसके आसपास संलग्नित क्षेत्र में एक तकनीकी हब, एक टेक्नोलॉजिकल हब और एक वाणिज्य हब के रूप में उभरा है, जहाँ पर साइबर सिटी भी इसको बोला जाता है, साइबर सिटी भी बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो माना जाता है गुड़गांवा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे दुनिया की भारत की सबसे ज़्यादा, जो तीसरा भारत की ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए हैं। तो गुड़गांवा में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, और आज के समय में एक रोजगार सृजन के मामले में गुड़गांवा जो है सबसे तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आए तीसरी सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए मानी जाती है। साथ ही देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सिटी डेवलप हो रही है। अच्छे अच्छे शॉप्स आपके सामने निकल के आए हैं। यहाँ पे देखिए होप करके जिम है, ये थोड़ा सा व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला है, उसके साथ साथ सैलून भी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको गुड़गांवा के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो गुरुग्राम है, गुड़गांवा का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा? गुड़गांवा का नाम गुरुग्राम इसलिए पड़ा कि आपने अगर भारत का एक महाकाव्य पढ़ा होगा या जानते होंगे जिसे बोला था महाभारत, तो महाभारत में जो कौरव और पांडव, जो दो एक ही परिवार के दो समूह थे, उनके जो गुरु हुआ करते थे गुरु द्रोणाचार्य जी, तो गुरु द्रोणाचार्य जी का ये गांव किसी समय पर हुआ करता था गुरुग्राम। तो गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य जी का गांव था, तो इसको कुछ समय तक तो गुड़गांवा बोला गया, पर सन 2016 में 27 सितंबर 2016 को श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इसका नाम परिवर्तित करके इसको केंद्र सरकार की संतुति के बाद इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य जी के को समर्पित करने के लिए उनके गांव का नाम आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये सामने आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, जहाँ से नीचे से गाड़ी आ रही है, ऊपर जो फ्लाईओवर है, ये धौलपुर का फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसको कनेक्ट करता है। तो इसी के लेफ्ट हैंड में मेरे इस फ्लाईओवर के बाएं तरफ जो है आप गुड़गांवा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है। आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि गुड़गांवा में एक चीज़ और है कि यहाँ गुड़गांवा रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध, भारत में सबसे माना जाना एक शीतला माता मंदिर है, जो कि 500 साल पुराना शीतला माता मंदिर है। और भारत के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी कई लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। शीतला माता मंदिर एक बहुत ही विशाल देवी का मंदिर है, जिसको भी आप देख सकते हैं गुड़गांवा में। देखिए
गुड़गांव कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी शॉप्स विकसित हो रही हैं गुड़गांव का। और गुड़गांव के जो लोग हैं, बेसिकली आपको ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताना चाहूँ, गुड़गांव में जो लोग हैं जो पानी पीते हैं वो साहिबी नदी का पानी पिया जाता है। साहिबी नदी एक यमुना नदी की जो है पश्चिमी सहायक नदी है, जो कि एक रेन फीडेड रिवर यानी कि जिसको पानी वर्षा के द्वारा मिलता है। और दिल्ली में इसी नदी को नजफगढ़ ड्रेन बोला जाता है, उसी नदी का पानी पीता है गुड़गांव। और परंतु वो नदी जो है, अभी मैं जब देख रहा था कि कहीं पे भी भौगोलिक रूप से उसका बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, जबकि वो एक महत्वपूर्ण नदी है। कोई भी सिटी का जो अस्तित्व होता है उसका स्रोत के ऊपर निर्भर होता है। देखिए साथियों, अब हम लगभग गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे से देखिए आप फटफटियाँ भी दिख जाएंगे। ये फटफटियाँ जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जो कमोटर्स जो होते हैं, जो पैसेंजर जो होते हैं जो उतरते हैं ट्रेन से, वो इसी नदी इन्हीं के साथ जो फटफटियाँ जो ऑटो होते हैं जो कम दामों में 5 से 10 रुपये लेके आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं। ये देखिए इस समय गुड़गांव रेलवे स्टेशन में लगभग 3 ट्रैक हैं। देखिए जो गुड़गांव रेलवे स्टेशन है, ये इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और साथ ही साथ यह किसी टाइम पर राजपुताना मालवा स्टेट रेलवे का हिस्सा हुआ करता था। राजपुताना मालवा स्टेट रेलवे का हिस्सा हुआ करता था गुड़गांव रेलवे स्टेशन। यहाँ से नमक का व्यापार होता था और धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण हुआ। ब्रिटिश काल में इसको डेवलप किया गया। सन 2000 से पहले यहाँ पे केवल एक ही रेलवे ट्रैक हुआ करता था, जो कि अब विकसित होके यहाँ पे लगभग 4 से 5 रेलवे ट्रैक यहाँ पे बन गए हैं। सन 2013 में गुड़गांव रेलवे स्टेशन में सोलर पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनलों की स्थापना की गई और सन 2015 के बाद इसका जो उच्चीकरण किया गया। ये रेलवे स्टेशन इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपको को कहीं भी मतलब इंडिया के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरला तक के लिए आपको, तमिलनाडु के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ इसी स्टेशन से आप पैलेस ऑन व्हील गाड़ी भी पकड़ सकते हैं, जितने भी लग्जरी ट्रेन से आप पकड़ सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो लोग दिल्ली से या जयपुर